Assalamualaikum, my name is Adi Anwar and my registration number is 007 and my project name is Online Nagra Management System. So first of all, हम देख लेते हैं कि Nagra Management System होता क्या है. Nagra की जो abbreviation होती है हमारे पास National Database and Registration Authority. अब ये हमारे पास Nagra मैनेजमेंट सिस्टम क्यों डेवलप किया गया, इसलिए डेवलप किया गया. आपको पता है कि Nagra का काम क्या होता है? Nagra का काम होता है हमारे पास हमारे आईडी कार्ड्स बनाना, ठीक है. अब हम लोग जो होते हैं, हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन उन्हें देते हैं और वो हमें इन रिटर्न में हमें क्या देते हैं, हमारा आईडी कार्ड हमें बना के देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास Nagra में तीन तरह के यूजर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आ जाता है मैनेजर, सेकंड हमारे पास सिटीजन एंड थर्ड हमारे पास सिक्योरिटी. ओके, अब इन तीनों के अपने अपने पासवर्ड्स और आईडीज होती हैं, ठीक है. तीनों के डिफरेंट आईडीज होती हैं, डिफरेंट पासवर्ड्स होते हैं, ठीक है. अब हम अपने प्रोजेक्ट को जावा नेटबीन्स को यूज करते हुए रन करवाते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम लोग जो है फाइल में जाते हैं, देन ओपन प्रोजेक्ट. यहाँ पे हमारा आपको नजर आ रहा होगा Nagra ऑनलाइन, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ओपन प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो गया. अब यहाँ पे हम लोग इसको घुमाएंगे रन. जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया, ठीक है. अब मैंने आपको जैसा कि बताया था कि Nagra में तीन तरह के यूजर्स होते हैं, सबसे पहले मैनेजर, देन सिटीजन एंड देन सिक्योरिटी. ओके, अब हम बारी बारी तीनों की आईडीज और पासवर्ड देंगे और तीनों की बारी में हम लोग जो है फंक्शनैलिटी देखेंगे. ओके, सबसे पहले हम लोग मैनेजर पे क्लिक करते हैं और मैनेजर की आईडी और पासवर्ड देते हैं. अब मैंने बताया था तीनों की आईडी और पासवर्ड डिफरेंट होते हैं, तो मैनेजर की जो आईडी है हमारे पास वो है एडमिन. और इसके जो अल्फाबेट्स होंगे वो सारे स्मॉल होंगे. अब जो इसका पासवर्ड है वो हमारे पास है 1 2 3 4. ओके, अब हम इसे लॉग इन करेंगे. लॉग इन होने के बाद हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ पे हमने डिटेल्स डिस्प्ले कर दिया. अब डिटेल्स हमारे पास होंगी तो हम डिस्प्ले करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिटेल्स चाहिए. मैनेजर तब तक आईडी कार्ड हमें नहीं बना के दे सकता जब तक हमारे पास यूजर की या सिटीजन की क्या हमारे पास डिटेल्स नहीं होगी. तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं डिटेल्स. अब नेम, अब मैं अपना नाम लिख लेती हूँ. मेरा नाम है हरिंदर और ये जो है हमने विदाउट स्पेस लिखना है, मतलब कुछ भी लिखेंगे ना उसमें स्पेस में डालनी, विदाउट स्पेस लिखेंगे. फादर नेम मैं लिख देती हूँ, CNIC मैं लिख देती हूँ 31301, जेंडर फीमेल कर देती हूँ और कंट्री ऑफ स्टेट में पाकिस्तान लिख देती हूँ. देन मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रही हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो मैं लिख देती हूँ हाउस नंबर 06, ओके, विदाउट स्पेस. अब यहाँ पे डेट ऑफ अप्लाई, कि किस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो कि मेरा CNIC कार्ड बना के दे. ओके, तो यहाँ पे मैं रैंडम ही लिख रही हूँ क्योंकि ये हम लोग से चेक कर रहे हैं. अब यहाँ पे पासवर्ड हमने इशू करना है. अब पासवर्ड मैं यहाँ पे रख लेती हूँ 1 2 एंड 3. ओके, अब इसे हम कर देते हैं कंफर्म. ये देखिए, अब डिटेल्स हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई. अब हम यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल्स में क्या लिखेंगे, अपना CNIC नंबर लिखेंगे.
एनआईसी नंबर हमने क्या दिया था, 31301। ओपन करते हैं, ये हमारे पास तमाम डिटेल्स आ गई जैसे हमने दी थी, नेम, फादर नेम, सीएनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड डेट ऑफ स्टे। ठीक है, मतलब ये हमने मैनेजर को सारी डिटेल्स दी एंड इन रिटर्न मैनेजर ने हमें क्या कर दिया, सीएनआईसी कार्ड बना कर दिया। अब हम इसे लॉग आउट कर देते हैं, एग्जिट। बेसिकली मैनेजर का क्या काम हुआ, मैनेजर का काम हुआ कि वो जो सिटीजन से डिटेल्स लेता है और बदले में हमें रिटर्न में हमें क्या करता है, आईडी कार्ड बना के देता है। मतलब मैनेजर का काम क्या है, आईडी कार्ड को बनाना। देन नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सिटीजन की फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। ठीक है, पासवर्ड और आईडी चेंज होता है सबका, तो ये भी चेंज होगा। अब सिटीजन की जो आईडी होती है ना, वो उसका सीएनआईसी नंबर होता है। सीएनआईसी नंबर हमने क्या दिया था, 31301। और पासवर्ड हमारे पास वो होता है जो कि मैनेजर ने हमें दिया होता है। अब मैनेजर ने पासवर्ड क्या दिया था, मैंने वहाँ पे क्या पासवर्ड लिखा था, 123। ओके, तो हम इसे कर लेते हैं। ओके, अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जब हमने मैनेजर को लॉगिन करवाया, उसके आईडी और पासवर्ड देके, तो हमारे पास उसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड था चेंज था। ठीक है, उसका फॉर्मेट चेंज था। और जब हमने सिटीजन का करवाया तो इसका भी बैकग्राउंड फॉर्मेट सब चेंज है। ठीक है, और ऐसे कि अगर हम सिक्योरिटी का करवाएंगे तो उसका भी चेंज होगा। अब हम इसे यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो बेसिकली जो सिटीजन है वो हमारे पास यूजर है, और इसका काम क्या होता है कि ये मतलब डिटेल्स देता है कहने की मैनेजर को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी का आईडी और पासवर्ड देंगे। सिक्योरिटी का जो आईडी होता है वो सिक्योरिटी हो गया, बट क्या होता है, स्मॉल अल्फाबेट्स में। एंड पासवर्ड इसका होता है 1 2 3 5। कर लेते हैं, पासवर्ड 1, पासवर्ड मास्टर 2 3। ओपन हो गया। अब यहाँ पे डिटेल्स डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले डिटेल में हम क्या लिखते हैं, सीएनआईसी 31301। डिस्प्ले हो गया इसकी डिटेल्स भी। अब देखें इसका भी फॉर्मेट बैकग्राउंड सब चेंज है। ओके, अब हम इसे कर देते हैं लॉग आउट। ओके, एग्जिट। अब सिक्योरिटी बेसिकली तो हमारे पास पॉलिस होती है। अब देखो पॉलिस का क्या काम होता है, देखो सिक्योरिटी हमारे पास एक पॉलिस होती है। मतलब अब देखो अगर आपको बस सीएनआईसी कार्ड, अब देखो आजकल जो होते हैं सीएनआईसी कार्ड हमारे पास स्मार्टफोन भी होते हैं, मतलब इस तरह कोई ऑनलाइन का सिस्टम वगैरह नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो मतलब अगर आपका जो सीएनआईसी है वो गुम हो जाए तो आप बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप अपना मतलब जो सीएनआईसी है वो दिखा सकते हो, वरना मतलब अपनी डिटेल्स मैनेजर को दे के और एंड आप अपना सीएनआईसी कार्ड कंप्लीट शो करवा सकते हो सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ऑनलाइन आपका मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर का काम ही यही है कि आपका मतलब अगर सीएनआईसी कार्ड वगैरह गुम हो जाता है तो आपको इनके जरूरत पड़ती है, तो आप मतलब इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप मतलब अपना सीएनआईसी कार्ड शो करवा सकते हो अपनी डिटेल्स दे के मैनेजर को, सिटीजन की मतलब डिटेल्स को, और मैनेजर ये जाना आपको क्या करेगा, आपको सीएनआईसी कार्ड दे देगा, मतलब आपके सारे डिस्प्ले डिटेल्स जो है डिस्प्ले करवा देगा। ओके, ठीक है, तो इन तीनों का यही काम होता है, इनकी तीनों की यही फंक्शनैलिटी होती है।
अब ये देखें, अब प्रोजेक्ट भी जो हमारे पास कोड, अब देख लेते हैं कि हमारे पास वहां पे डिटेल्स गई नहीं है जहां हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब हमें देखने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन पे जाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट पड़े, अब ये देखें, अब हम सिटीजन डेटाबेस में देख लेते हैं कि हमारी डिटेल्स आई, ये देखो हमारी डिटेल्स आई कि पहले हमारा CNIC, पासवर्ड, नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, देन एड्रेस, देन एक्सपायरी डेट एंड इशू डेट, ये सारी चीजें बदली हुई है, टाइम वगैरह, डेट, ठीक है, ये देखो। ओके, ये देखो मतलब डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, मतलब रन कर रहे हैं आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके, अब ये सिटीजन जावा में हम इसकी कोडिंग को देखते हैं, देखते कोडिंग देख लेते हैं। अब सिटीजन जावा में बताया सिटीजन का क्या काम होता है कि मतलब डिटेल्स देना, ठीक है, इसमें हम डिटेल्स देते हैं, लोग देन अपनी डिटेल्स को क्या करते हैं, लॉग इन करवाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, कॉलन, ये डबल कोटेशन मार्क में डी कॉलन डबल स्लैश नागरा ऑनलाइन प्लस, ये वाली नजर आ रही है। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो लोकेशन है, ये लोकेशन वो है कि जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है, ये हमने वो वाली लोकेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजर का काम होता है कि हमें मतलब बना के देना हमारा सॉफ्टवेयर, सॉरी हमारा CNIC कार्ड बना के देना, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने लोकेशन लिख दी है, देन मैनेजर है, मतलब मैनेजर अगर कोई भी डिटेल सिटीजन की या यूजर की ऐड करना चाहे तो उसमें ऐड कर सकता है। उसके बाद मैनेजर जो है डिस्प्ले भी करवा सकता है उस डिटेल को। उसके बाद मैनेजर एडिट भी कर सकता है, मतलब डिटेल गलत हो गई है तो उसे वो एडिट भी कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। ओके, देन हमारे पास नादरा ऑनलाइन में मतलब नादरा का काम क्या होता है, CNIC कार्ड्स बना के देना। ओके, देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैंने आपको बताया है कि बेसिकली हमारे पास पुलिस होती है कि मतलब CNIC कार्ड हमारे गुम हो जाए तो हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपना CNIC कार्ड शो करवा सकते हैं इन केस अगर हमें जरूरत हो तो, ठीक है। अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डिस्प्ले जो है हमारे पास ये होता है कि किसी भी सिटीजन की डिटेल को फाइंड करना, ठीक है, सिक्योरिटी डिस्प्ले में हमारे पास ये आ जाता है। तो ये हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट की जी जो थी वो कोडिंग है, सिटीजन जावा, लॉग इन जावा, मैनेजर जावा, मैनेजर ऐड जावा, मैनेजर डिस्प्ले जावा, मैनेजर एडिट जावा, नागरा ऑनलाइन जावा, सिक्योरिटी जावा एंड सिक्योरिटी डिस्प्ले जावा, मतलब इन सब में हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की जो है कोडिंग किया। तो वैसे भी आपको पता है कि हमारे तीन यूजर्स होते हैं, बेसिकली नागरा में मैनेजर, सिटीजन एंड सिक्योरिटी, और हमने तीनों में कोडिंग करवाई है, मतलब अलग अलग करके बताई है। और जिसमें हमें लोकेशन रिक्वायर थी कि हमें लोकेशन लिखनी है, वहाँ पे हमने लोकेशन भी लिखी है ताकि हमारे प्रोजेक्ट को वहाँ पे इस टाइम, और मतलब देखिए अगर हम लोकेशन ऐड करेंगे प्रोजेक्ट हमारा रन होगा और जहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट रखा हो वहाँ आप जगह चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में वहाँ डिटेल्स आ भी नहीं है या नहीं। तो लोकेशन ऐड करने का बेसिकली हमारे पास ये मकसद होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट था एंड सो आपको समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।